नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस दिन पर मैं थोड़ा घूमने टहलने आया हूँ। मतलब मेन काम तो कुछ और था, पर काम हुआ नहीं अभी, तो थोड़ा सा आ गया ऐसे ही जगह पे देखने। तो इसे पक्का तालाब कहते हैं, और पक्का तालाब सच में बहुत खतरनाक हो गया है। दृश्य देखने लायक हो चुका है, मतलब शानदार, इतना ज़्यादा मतलब बदलाव हो गया है। मैं सालों से देख रहा था जिस चीज़ को, उसमें अचानक से बहुत ढेर सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये है मौवाइमा का क्या है, पक्का तालाब, जहाँ पे पक्का तालाब का मेला दशहरे पे लगता है। मेला तो उधर लगता है, इसके उस पार, लेकिन ये पक्का तालाब के नाम से फेमस है। मतलब जगह तो होनी चाहिए। मैं सालों से देखता आ रहा था, इवन मैं वहाँ पे एक सरस्वती शिशु मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर वो मटकर कलश दिखाई दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ पे कक्षा 1 और 2 में पढ़ाई किया करता था। तब से ये बदबूदार ही था, लेकिन अब यहाँ पे पानी भी दिखाई दे रहा है, और गंदगी मतलब है तो, लेकिन जितनी गंदगी हुआ करती थी उससे बहुत ही कम मात्रा में हो चुकी है। और यहाँ का ये सड़क जो वेटिंग ही हुआ करते थे, बहुत बेकार अब बनवा दी गई है। यहाँ पे ढेर सारे मंदिर स्थापित कर दिए गए हैं, मतलब शानदार है। एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और मतलब वो वाला मंदिर तो बहुत पहले से था, और वो वाला भी मंदिर बहुत पहले से था, ये वाला मंदिर बहुत पहले से था, मुझे जहाँ तक पता, मतलब जब से मैं कक्षा 2001 की बात कर रहा हूँ तब से। तो पक्का तालाब, ये सीढ़ियाँ तो वैसे ही थोड़ी मरम्मत की गई है, बाकी ये चार दीवारें जो किनारे किनारे के रेलिंग जो है वो अब बनाई गई है, और पेड़ काफ़ी बड़े हैं और शानदार हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे जिम वाला सिस्टम लगा दिया गया था, वहाँ पे गया था, वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। वहाँ पे भी जिम लगा रहता, वहाँ पे तो बच्चों की भीड़ लगी ही रहती है, और वो ऑफर भी करते हैं कि भाई खेल इस पर चढ़ेंगे, मतलब कसरत करेंगे आप। तो सभी कुछ राय करके वापस आ गया। अभी क्या, यहाँ का दृश्य बहुत शानदार था, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, और बस बढ़िया लग रहा है। खाली खाली सी सड़क पे अकेले घूम रहे हैं, पीछे तालाब है, शानदार नज़ारा, इतना खतरनाक नज़ारा कि क्या ही बताएं। यहाँ पे आसपास कोई और है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं, सब सही है। आराम से आओ, बैठो, बतियाओ, क्या दिक्कत है, बढ़िया है सब कुछ। तो अपनी साइकिल से आए हैं, साइकिल यहाँ पे खड़ी है, और अब चलना है घर पे। तो थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए तिरंगा कलर पेंट किया गया है, पेड़ों पर भी यही कलर पेंट किया गया है, पर वह क्या है, ये सफ़ेदा के ऊपर भी पेंट किया गया था, पर सफ़ेदा क्या है, पर ये अपनी छानी छोड़ता है, तो वो गिर गई है, ये जो यहाँ पे वर्क होनी चाहिए थी वो गिर गई है नीचे। खैर कोई बात नहीं, दिखाने का मन था तो दिखा दिया। चलिए तालाब के अंदर चल के देखते हैं, पहले साइकिल में ताला लगा देते हैं, नहीं तो वैसे भी गायब तो होगी नहीं, लेकिन लगा देना एक अच्छी बात होती है। और यहाँ पे सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा। और मैं हमेशा से इस तालाब में नहाना चाहता था, पर कभी नहा नहीं पाया क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता है, और कौन नहाए भाई, इतनी मेहनत हो गई। यहाँ पे ये जो ढलान है, पता नहीं क्यों ये ढलान हमेशा से ऐसी ही थी, और यहाँ पे इसकी काफ़ी मरम्मत कर ली गई है। लुढ़क के मैं अंदर तक नहीं जाऊँगा, बस यहाँ पे शानदार नज़ारा, और ये ज़बरदस्त दिखाई देता है। कभी इतना नीचे ऐसे आके मतलब सीढ़ियों पे बैठ करके अलग तरीके से वीडियो बनता है, बढ़िया। और ये भी बैठने के लिए काफ़ी चौड़ा है, ये वही पुराना वाला है, पहले से ही था, थोड़ी मरम्मत की गई है इसके। इसमें
आप कह सकते हैं एक दरवाज़ा उधर है, एक दरवाज़ा सामने है, एक दरवाज़ा इधर है, और ये तो पूरा खुला दरबार है। और पहले ये मतलब पूरा खाली हुआ करता था, लोग इसी में नहाया करते थे, पर मैं कभी नहीं नहाया। और इधर सामने तुरंत सामने मंदिर है, बस बढ़िया, तो शानदार जगह। और अब यहाँ से चलना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे मेरा काम कर लेना चाहिए। मैं दवा लेने आया था, मेरी भैंस थोड़ी बीमार है तो उसी के लिए दवा लेनी है।